हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव डिज़ाइन। आज हम बनाएंगे एक टेडी बियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है। अब सबसे पहले हम कपड़े की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फेस के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। 2 इंच का हम फेस जो है वो तैयार करेंगे, तो 3 इंच की हम कटिंग करेंगे। लेंथ आप 3 इंच रखेंगे। इस साइड से भी हमने 3 इंच ही लिया है, यहां से हमारी कटिंग आएगी। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी शेप दे देनी है सिलाई के लिए। एक साइड से हमने इसको ओपन रहने देना है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी और इतना हिस्सा जो है आपने ओपन रहने देना है। यहाँ पर आपने कोई भी सिलाई नहीं लगानी। वेस्ट हिस्सा जो है वो मैं कट कर रही हूँ। अब हम बाकी के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया। बॉडी जो बनानी है हमने वो इससे बड़ी होनी चाहिए। मैं 4 इंच की कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से हमने सर्कल बना लेना है। इस सर्कल पे इस तरीके से मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ की है। इन लाइंस के बीच आपने सिलाई नहीं लगानी, बाकी सेम इसी तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है। अब हमने नोज बनाने के लिए कपड़े की कटिंग करनी है। वन इंच तक आपने छोटा सा निशान लगा लेना है। अब यहां से हमने कटिंग करनी है।
इस तरीके से यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। सवा एक इंच का कपड़ा हमने फोल्ड किया है। सवा दो हमने इसकी लंबाई ली है। ये हमारी बाजू की कटिंग की है हमने। यहाँ पर सिलाई आएगी। दूसरी भी हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब हमने स्क्वायर शेप में इस तरीके से कपड़े की कटिंग करनी है। एक कॉर्नर से आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। और इसे इसके बाद आपने इसे गोल कर देना है। ये आपके टेडी बियर के कान बनाने के काम आएगा। इस तरीके से दो इस तरीके से आपने बना लेनी है। जब आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है, जितना आपको कान चाहिए उतना आपने इसके बीच रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। इन निशानों पे आपने कान फिट करने हैं। अब हम टैडी की लेग्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से हमारी कटिंग आएगी और यहाँ पर सिलाई आएगी। तो इस तरीके से हमने जहाँ पर निशान लगाए थे वहीं सिलाई लगा ली है उसके ऊपर। यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर रहने दिया था, वहाँ से हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया है। बाकी भी हम इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमने सारे पार्ट जो है वो सीधे कर लिए हैं। अब हम इसे एक साइड पे करेंगे। अब हमने ये कॉटन दिया है, अब हम इसमें कॉटन फिल करेंगे। इस तरीके से हमने इसमें कॉटन फिल कर दिया है। सबसे पहले हम नोज अटैच करेंगे। सुई धागे के साथ हम इसे फिक्स करेंगे।
अब हम इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। अब हम लेग्स एंड आर्म्स अटैच करेंगे। बाकी पार्ट्स भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने टेडी बना लिया है, अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे। हमने यहाँ पर पहले निशान लगा लिए हैं, वहाँ पर हम इस तरीके से स्टोन फिट करेंगे। अब हम इसे ड्रेस पहनाएंगे। ये कपड़ा हमने ड्रेस के लिए लिया है। टू एंड हाफ इंच दस इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। यहाँ से हम कट करेंगे। तरीके से हमने ये अटैच कर लिए। इसी तरीके से हमने और कपड़े की कटिंग की है, वो भी अटैच करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने डबल फिल कर ली है। अब हम बॉडी बना देंगे उसके लिए।
कपड़े की कटिंग करनी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इसका सेंटर करेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर हमने इसे ग्लू के साथ चिपका देना है। इस तरीके से हमने ड्रेस बना ली है। अब हम नोज बनाएंगे। इस तरीके से हमने ये एक माला बना लिए मोती पिरो के। यहाँ पर हम इस तरीके से ये चेन लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टैडी तैयार है। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के किसी भी तरीके से टैडी को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।